हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शनालीज़ किचन। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का रोटी रोल। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। बच्चे लोगों को ये टेंडेंसी है कि बाहर के खाने में बाहर का खाना खाना चाहते हैं। उन लोगों को बाहर का खाना बहुत टेस्टी लगता है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप लोग अगर घर के खाने को ही थोड़ा सा स्टाइल लेके चेंज करके बना ले तो वो लोग बहुत ही खुशी खुशी उस डिश को खा लेंगे और आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाती हूँ चिकन टिक्का रोटी रोल। चिकन टिक्का व चिकन तंदूरी रोटी रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है चिकन। चिकन का मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है। अभी मैं चिकन को मैरिनेट कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं दे रही हूँ नींबू का रस, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चिकन तंदूरी मसाला, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। आप लोग चाहो तो घी या फिर रिफाइंड ऑयल भी दे सकते हो। अभी इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से और आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी चिकन में मसाला अच्छे से लग जाए। चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बाकी का क्या लगेगा। यहाँ पे मैंने आटा का डो बना लिया है रोटी करने के लिए। सिंपल जो रोटी का आटा होता है वही मैंने बनाया है, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। सिंपल गेहूं के आटे को मैंने नमक और पानी देके डो बना लिया है। और लगेगा वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, पतला पतला करके कट कर लिया है। प्याज ले लिया है, पतला पतला करके कट कर लिया है। हरा धनिया चॉप कर लिया है मैंने। यह भी ले लिया है मैंने हरी मिर्च, चॉप कर लिया है। और लिया है एक टुकड़ा नींबू का। आप लोग अपने पसंद के हिसाब से दूसरे सब्जी भी ले सकते हो, कैरेट ले सकते हो, दूसरे कलर का जो पीला और लाल कलर का जो कैप्सिकम होता है वो भी ले सकते हो। और लगेगा मायोनीज, मस्टर्ड सॉस, हम लोग इसे काशुंदी बोलते हैं, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। और लगेगा चाट मसाला। अभी मैं एक सॉस बना लूंगी इन सबको मिक्स करके। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मायोनीज, इसमें मैं दे रही हूँ मस्टर्ड सॉस यानी कि काशुंदी, उसके बाद मैं दे रही हूँ ग्रीन चिली सॉस, उसके बाद टोमेटो सॉस, अभी इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, सॉस रेडी हो गया है। आधे घंटे के बाद मैं लौट आई हूँ। यहाँ पे मेरा चिकन आधा घंटा मैरिनेट हो गया है। अभी मैं इसे तंदूरी बना लूंगी चिकन का। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। तो अभी मैं इसे दे रही हूँ ऑयल
ज्यादा नहीं देना है। तो अभी मैं ऑयल को ब्रश कर रही हूँ। अभी मैं एक एक करके चिकन इसमें दे दूंगी। अभी मैं इसे एक ढक्कन दे दूंगी यहाँ पे ताकि जल्दी से पक जाए। अभी चिकन को पलट देंगे हम। एक तरफ से हो गया है। मैंने यहाँ विद बोन लिया है चिकन का पीस। आप लोग चाहो तो बोनलेस भी ले सकते हो। मैं यहाँ ये तंदूरी बनाने के बाद ये जो मीट है मैं अलग कर लूंगी। जब तक ये चिकन तंदूरी हो रहा है तब तक मैं रोटी बना लूंगी। ये चिकन टिक्का को मैं दूसरे ओवन में ट्रांसफर कर दूंगी और यहाँ पे मैं तवा लगा दूंगी रोटी के लिए। रोटी का लोई थोड़ा सा बड़ा करना है। मैंने यहाँ तीन रोटी का बॉल बना लिया है। अभी मैं रोटी बना लूंगी। रोटी थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाना है। नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा बनाना है। यहाँ पे तीनों रोटी बन गया है। यहाँ पे चिकन टिक्का भी रेडी हो गया है। तो अभी मैं रोल बना लूंगी। तो सबसे पहले मैं ये जो चिकन में बोन्स है वो मैं अलग कर लूंगी। मैंने चिकन में से बोन अलग करके छोटा छोटा पीस कर लिया है। अभी मैं रोल बना लूंगी। यहाँ पे मैंने एक रोटी ले लिया है। तो रोटी में सबसे पहले मैं ये जो पहले मैंने मायोनीज और सब सॉस दे के जो एक सॉस बनाई थी वो मैं इसमें दे दूंगी। उसके बाद ये चिकन टिक्का का पीस। उसके बाद मैं इसमें दे दूंगी ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस।
प्याज, कैप्सिकम, मिर्च, हरा धनिया, ऊपर से दे दूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। अभी मैं इसे रोल कर लूंगी। बन गया है एक रोल, चिकन टिक्का रोटी रोल बन गया है। ऐसे करके मैं बाकी का बना दूंगी। रेडी हो गया है चिकन टिक्का रोटी रोल। घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और रेसिपी को लेकर अगर कोई क्वेरीज है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आंसर दे दूंगी। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।